नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, कुछ ही दिन बचे हैं जब महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्यौहार गणपति उत्सव की शुरुआत होने वाली है। गणपति उत्सव महाराष्ट्र में काफी धूमधाम से मनाया जाता है और इसको लेकर प्रशासन अलग अलग तरह की तैयारियों में लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज वसई माणिकपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ने वसई एसीपी के सानिध्य में एक मोहल्ला कमेटी की मीटिंग आयोजित की। वसई दीनदयाल नगर मस्जिद के पास में ये मीटिंग रखी गई और वहां लोगों को आने वाले इस गणपति उत्सव की बारे में जागरूक किया गया, उसके बारे में जानकारी दी गई, किस तरह से क्या कुछ करना है उस मीटिंग में, इसका सब डिसीजन लिया गया, लोगों को अवेयर किया गया। पिछले 2 साल से जब कोरोना के हिसाब से काफी रिस्ट्रिक्शंस थे गणपति उत्सव में, लेकिन इस बार सभी रिस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं, तो इस बार फिर से गणपति उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाना है। उसी लिए पुलिस प्रशासन पूरा बंदोबस्त कर रहा है और उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम रखा गया। इस मोहल्ला कमेटी में कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे और सामान्य सी एक चर्चा हुई। देखिए इस मीटिंग की पूरी झलकियां आप देखिए और क्या कहना है वरिष्ठ अधिकारी का, वो सुनिए आगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। यहाँ पे आगामी जो गणेश उत्सव का त्यौहार यहाँ पे मनाया जाएगा, उस मौके पे यहाँ कॉर्नर मीटिंग ली जा रही है। अभी दीनदयाल नगर के जामा मस्जिद के सामने हमने मीटिंग ली। उसमें गणेश उत्सव के बारे में और जो शासन के नियम है और अन्य शक्ति है उसके बारे में बता दिया है और सब लोगों का अच्छा प्रतिसाद है। यहाँ के लोगों ने पूरा मिलजुल कर सब यहाँ पे त्यौहार मनाते हैं और पूरा हमें पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा कोऑपरेशन रहेगा, ऐसे लोगों ने बताया है, तो सबका धन्यवाद। मैडम, पुलिस की तरफ से खास क्या आह्वान लेना चाहेगा? पुलिस की तरफ से ये है कि जो आवाज़ की ये रहती है कि वो डेसीबल 75 डेसीबल है, जो विरोध में गुलाल वगैरह यूज़ मत करो और जो देखावे है वो उसके जो पहले पुलिस की परमिशन लेनी चाहिए। हम हर तरफ जाके कॉर्नर मीटिंग ले रहे हैं तो उसमें भी अच्छा प्रतिसाद है, जो भी आपकी समस्या है वो हमें आके बता दीजिए, बाकी पुलिस तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। टाइमिंग क्या है जो डेसिबल आवाज़ करे? अभी तक ये नहीं है, अभी 10 कुछ दिनों तक 10 बजे तक होगी, कुछ दिनों तक 12 बजे तक होगी, तो शासन का जब जीआर आएगा तब हम आपको बताएं। मतलब अभी फिक्स नहीं हुआ कितने दिन तक आप जो है साउंड वगैरह या डीजे बजा सकते हैं? 5 दिन का 6 दिन का 12 बजे तक कौन से दिन है अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन आ जाएगा 1-2 दिन। पुलिस की कैसी तैयारी है गणपति को? मतलब हमारे यहाँ ट्रैफिक की और पुलिस स्टेशन की पूरा बंदोबस्त लगाया जा रहा है। ट्रैफिक का अलग बंदोबस्त रहता है और डिपार्टमेंट में जो जेट्टी है, जो तालाब है, उसमें भी अच्छी तरह से बंदोबस्त लगाया गया है। महानगर पालिका ने जैसे बोला है कृत्रिम तालाब 4 फीट या 2 फीट से छोटी मूर्तियों के लिए, बड़ी मूर्तियों के लिए पुलिस का क्या ख्याल है कि जो विसर्जन के ऊपर कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक को दी जाएगी? अभी जो छोटे मूर्ति है वो तालाब में उसका विसर्जन होगा और जो बड़ी है 5 फुट के ऊपर, वो किला जेट्टी, नायगांव जेट्टी, पांचू जेट्टी, जो जेट्टी है और बड़े तालाब है उधर ही जाएगा, उधर ही विसर्जन होगा। अभी जो माणिकपुर की जो बड़ी मूर्ति आई वो किला जेट्टी में आई। पुलिस की तरफ से क्या तैयारी है? जो समुंदर में डुबाने वाले हैं, कई बार ऐसा हुआ कि हादसा भी हुआ है और पब्लिक परेशान भी हुई है। महानगर पालिका की बोट है, अभी जाके उधर आरती करके महानगर पालिका के जो आदमी रहेंगे उनके पास देने, वो अंदर जाके बोट में से अंदर जाके उनका विसर्जन, अभी मंडल के अंदर नहीं जाएंगे, समुद्र बाहर से ही मूर्ति देनी है। डेफिनेटली बरोबर आहे। आता माझा अनुभव आहे मुंबईचा, 1992-2014 मी बॉम्बेला होतो, तर माझा डी एन नगर पोलीस स्टेशन होतं पहिल्यांदा, सांगापूर बोरिवली बऱ्याच एरियात सांगते, तर आम्ही ज्या ज्या ठिकाणी मस्जिद असेल त्या ठिकाणी मंडळ सांगायचं किंवा मस्जिदच्या ठिकाणी तुमचं जेव्हा नमाज असतो किंवा अजान असू नसो, पण मस्जिदमधून जाताना तुम्ही तिथं तुमचं गुलाल उधळणं किंवा जो
साऊंडचं जे काय इफेक्ट आहे त्यांनी सांगायचं आम्हाला, माझा अनुभव असा आहे की ते लोकं बंद करायचे, जे गणेश मंडळी होते लोकं ते बॉम्बेला सगळे बंद करतात, जे मस्जिद आले बंद करून टाकतात. आता इकडं आपल्याकडं वसईचे कोळीवाड्याचं मस्जिद एक आहे, तिथून एक जातं प्रोसिजन, तिथं बी काही बऱ्याच मी जेव्हा अनुभव घेतला उगाच ते मशीन मशीनारी आवाज वाढवायचे, तर मी ते सांगितलं की मग तुम्ही तिथं त्या वेळापुरतं म्हणजे साधारणतः किती 50 मीटर अंतर असेल तेव्हा मी तिथं बंद केलं आहे, मी अगदी स्वतः उभारून बंद केलं आहे तिथं मस्जिद, बाबा ह्या मस्जिद पास झाली परत लावा. तसं मी सर्व मंडळ आवाहन करेनच, पण स्पेशली असं काय असेल तर मी स्वतः पण माझं लक्ष असेल आणि माझे जे अधिकार असतील स्टाफ असतील मी त्यांना क्लिअरली सांगेन की बाबा जर या ठिकाणी जेव्हा प्रोसेशन पास होत असेल आणि जर त्यांचा आवाज कमी झाला पाहिजे, तिंबवणं बंद करायला काही हरकत नाही, 2 मिनिटासाठी अजान असेल मस्जिद असेल नमाज असेल तर ते आपण करू, डेफिनेटली करू आपण, माझं क्लिअर राहील. आप लोग काफी टाइम से बैठे हैं और आप अपना सबका कीमती टाइम यहाँ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. और डॉक्टर साहब ने जो बोला अभी वो सही है, क्योंकि मैं भी काफी वक्त से यहाँ पे हूँ और यहाँ पे सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, चाहे नवरात्रि का प्रोग्राम हो, चाहे गणपति का प्रोग्राम हो, चाहे ईद का प्रोग्राम हो, हम साथ में मिलके ही करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. यहाँ पे 2014 के अंदर PI एगा से साहब मानिकपुर पुलिस चौकी में थे, उन्होंने बोला कि जब पुलिस स्टेशन से जब गणपति वहां से निकलती है तो पुलिस वालों का सत्कार करना, तो बोले कि आप करना KGN सोशल वेलफेयर एसोसिएशन करना, क्योंकि वो पहले निकलते हैं बाद में सब देखते हैं सब चीज में, लेकिन वो निकलने के बाद में कोई पीछे साइड में जितना भी जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी गणपति लेके जाते हैं. तो 2014 से हमने हर साल जो यहाँ पे मस्जिद के पास से जब गणपति निकलती है तो वहाँ पे हम लोग KGN सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के ग्रुप वाले जितने भी हैं लोग जमा होते हैं और सत्कार सत्कार करते हैं, और जो हो सकता है सत्कार भी करने की कोशिश करते हैं, नाश्ता पानी देने की भी कोशिश किया है, पानी देने की भी कोशिश किया है. और यहाँ हकीकत है कि ये वसई के अंदर इतनी बड़ी एकता चीज है कि आपको ये बता नहीं सकता कि यहाँ पे ये महसूस ही नहीं होता कि हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है. तो ये जो मसला है ना सबसे बड़ा है, अगर हमारे दिल के अंदर इस मोहब्बत जग जाए और हमारे दिल के अंदर ये मोहब्बत हो, जैसे कि अभी पाटिल साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि यहाँ से जो भी सॉल्ट से जाते हैं या ढोल ताशे से जाते हैं या गुलाल डालते हुए जाते हैं, लेकिन मैं भी काफी समय से देख रहा हूँ कि यहाँ पे शांत म्यूजिक को लो करते ही है लोग, इतने बीच में कम करेंगे उसके बीच में फिर आगे करेंगे, तो हम उनका भी सबका बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो इस चीज के उनके दिल के अंदर मोहब्बत है और वो इस चीज को साउंड को कम करता हूँ. अगर उस मोमेंट में वो लोगों ने कम किया तो बहुत ही अच्छी बात है और कम करते ही है, ये अच्छी बात है और होना भी चाहिए. इसलिए सबसे बड़ी मुट्ठी बंद होती है, यही सबसे बड़ी हमारी एकता है. और हमको कोई भी प्रोग्राम हो हमें ये नहीं देखना है कि हिंदू का है कि मुस्लिम का है कि सिख का है कि ईसाई का है, हमारा प्रोग्राम सबका एक सा प्रोग्राम और अच्छा प्रोग्राम है और सबको मिलजुल के प्रोग्राम करना चाहिए. मैं अपने को सब ये समाप्त करता हूँ और PI कदम साहब उन्होंने ये एक बात कही कि ये जो पॉइंट है यहाँ से ही गणपति या श्री की मूर्ति यहाँ से जाती है और विसर्जन के लिए जाती है, इमोशन के लिए जाती है, ये बात सही है, हर साल यहाँ से जाती है. लेकिन हमने ये बात देखी जैसे कल्याण भाई भी बोले कि जो हिंदू भाई हमारे वो अपना DJ वहाँ पर बंद करते हैं, गुलाल फेंकने बंद कर देते हैं यहाँ से जाते समय और फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद फिर से प्रदूषण चालू करते हैं. ये हमने देखी उनका कॉपरेशन है, ये हमारे पे हम कैसे रहते हैं, हम अच्छे रहेंगे तो वो भी अच्छे रहेंगे, हम आईना जैसा रहना चाहिए, हमने उनको सपोर्ट करना चाहिए वो हमको सपोर्ट करेंगे. ये कदम सबके बोलने में हमने इसके ऊपर हमने तनकीद की है. दूसरी बात है, सर ने कहा कि यहाँ पर पॉलिटिकल ऑफिसर या पॉलिटिकल जो लोग रहते हैं उनका प्रेशर वगैरह ऐसा, यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं है.
कभी भी नहीं होता। और सर मुझे मालूम है आप स्टेट फॉरवर्ड ऑफिसर है, आप स्टेट फॉरवर्ड ऑफिसर है, कभी भी ऐसा नहीं होता। और यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के जो बाशिंदे बहुत अच्छे भाषा में लेते हैं। आप देख सकते हैं, इतिहास देख सकते हैं, हमारा इतिहास में है कि कहीं पर भी नहीं, उल्टा सब लोग, सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ रहते हैं और सभी लोग मिलजुल के यहाँ पर त्यौहार मनाते हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।